होटल मौर्या में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स भारत सरकार तथा पटना चैप्टर भारतीय कंपनी संस्थान ISDSI संयुक्त रूप भारत सरकार द्वारा जनता के लिए उठाया गया कदम पर चर्चा हेतु सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मौजूद रहे। प्रोसेसेस को अच्छे से नहीं समझ, अगर वो इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी को अच्छे से नहीं समझ पाते तब आधा है जो कोई बिजनेस का रिजल्ट 50%, 40%, 30% का रहता है। आज सरकार ने चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, हमेशा जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं इस कोशिश में रहते हैं कि किस प्रकार हम लोग प्रॉब्लम्स को कम से कम करें। तो ऐसे में जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या ऑडिटर्स, उनको काफ़ी तेजी से नई टेक्नोलॉजी को, नए मेथड्स को, नए प्रोविजन्स को अडॉप्ट करना। कोई भी व्यक्ति जब व्यापार करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है, तो कैसे आसान, सारी चीजें कैसे आसान हो, और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 10 चीजें आती हैं। 10 के भीतर फिर और बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे। अगर कोई व्यक्ति व्यापार प्रारंभ करना चाहता है, ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, उसी प्रकार डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, अगर किसी बिल्डर को मकान पर बिल्डिंग बनानी है तो जो कंस्ट्रक्शन के परमिट्स, इतने तरह के परमिट देने पड़ते हैं और इतनी जगह उसको बनाना पड़ता है, तो डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, हर काम के लिए बिजली चाहिए, तो बिजली प्राप्त करने में ईज ऑफ डूइंग है कि नहीं, आसानी है कि नहीं, इसको दर जगह दौड़ना पड़ता है। रजिस्ट्रिंग प्रॉपर्टी, अगर संपत्ति का निबंधन कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, क्रेडिट फॉर द बिजनेस, अगर आपको बैंक से या कहीं से ऋण प्राप्त करना है, उसी प्रकार अगर आपको अंतरदेशीय व्यापार करना है, दूसरे देश से माल मंगाना है, दूसरे देश में आपको माल भेजना है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो समझौते किए जाते हैं, उनको किस तरह से उन समझौतों को लागू किया जाए, और अगर कोई कंपनी बंद हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, दिवालिया हो गई, या कोई डिफॉल्टर है, तो कैसे उसको रिजॉल्व किया। और जहां 2014 में दुनिया के 190 देशों में भारत का स्थान 142 था, 142वें स्थान पर था, और 2019 में 63वें स्थान पर आ गए, यानी लगभग 79 पॉइंट्स जो है हमने अचीव किया है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि दुनिया के 50 जो देश हैं, यानी 1 से 50 जो देश होंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, हम 1 से 50 के भीतर हमारा भारत का नाम शामिल हो। अगर 4 साल में हम 142 से 63वें स्थान पर पहुंच गए हैं, मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में भारत दुनिया के 50 उन देशों में शामिल होगा जहाँ व्यापार करना सबसे ज्यादा आसान है। लगता है कि विद्यार्थी बड़ी संख्या में मौजूद है, तो कोई जगह व्यापार करना, कंपनी रजिस्टर करना है, तो कंपनी रजिस्टर कराने में कैसे सुविधा हो, कैसे कम से कम सभी जैसे बताया गया कि 1 दिन के भीतर और कंपनी को रजिस्टर कराया जा सकता, जबकि आज से 2-3 साल पहले काफ़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और मुझे बताया गया कि पहले अगर किसी कंपनी को रजिस्टर कराना है तो
उसको जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको तीन नंबर कहते हैं, पैन नंबर है, टैन नंबर है, ईपीएफ का नंबर देना है, जीएसआईसी का नंबर लेना है या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है, हर पीडीएफ को अलग अलग आवेदन देना पड़ता है, अलग अलग प्रक्रिया है। और अब जो सिंप्लीफाइड इंटीग्रेटेड फॉर्म, एक ही फॉर्म में जो स्वीकृत फॉर्म है और जिसके द्वारा ये सारे चीज़ों का नंबर, आपको पैन नंबर चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए, ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन चाहिए या आपको ईपीएफ का चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ अलग अलग जगह बिना गए हुए आपको एक ही फॉर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म के द्वारा आपको प्राप्त होगा। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जिया अभिनव प्रोडक्ट्स, प्लैटिनम अगरबत्ती, बाबा लहटी भंडार, इस्लामपुर रोड मुजफ्फरपुर, चंद्रान आईएएस एकेडमी, मेकिंग योर करियर शाइन, हल्दीराम खुचियावाला, चॉइस ऑफ इंडिया, लेडी प्राउड, जियो जिंदगी बेहिचक उन दिनों में टेंशन फ्री, नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रन स्कूल, वी वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, रामा हार्डवेयर, जवाहरलाल रोड मुजफ्फरपुर, सेंट जेवियर्स स्कूल, नेशनल इन स्पिरिट इंटरनेशनल इन स्टैंडर्ड्स, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल एरिया नारायणपुर अनंत रोड मुजफ्फरपुर, VLCC गोला रोड मुजफ्फरपुर, हर घर की पसंद ग्रीन इंडिया, आपकी संतुष्टि मेरी पहचान, गोदरेज अप्लायंसेस सोच के बनाया है, बिरयानी दरबार, वर्मा कॉम्प्लेक्स मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, प्लैटिनम चिल्ड्रन स्कूल, सेल्फ बिलीफ बेस्ट बिलीव, जावेद हबीब हेयर स्टूडियो यूनिसेक्स सलोन मुजफ्फरपुर, नेशनल मेडिकल कॉलेज वीरगंज नेपाल। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।